एनसीपी चीफ शरद पवार को राजनीतिक चाणक्य क्यों नहीं कहा जाता है? शरद पवार कब क्या कर जाएं? कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा तेज होता जा रहा है। एनसीपी से बगावत के बाद अजीत पवार लगातार चाचा से मिल रहे हैं। चाचा भतीजे की मुलाकात कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं चाचा भतीजों के बीच बयानबाजी भी अक्सर देखने को मिलती है। कभी अजीत पवार ने चाचा को बुजुर्ग बताया तो वहीं पलटवार करते हुए चाचा ने एज को जस्ट नंबर बताया। एनसीपी की पार्टी का दबदबा पश्चिमी महाराष्ट्र में नजर आता है। यही हिस्सा एनसीपी और शरद पवार की मजबूती का आधार रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी के कैडर और नागरिकों को शरद पवार पर भरोसा कहीं न कहीं दिखाई देता है। सुप्रिया सुले को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन भतीजे अजीत पवार की जैसी लोकप्रियता पाने में काफी वक्त लगेगा। भतीजे की बगावत से कहीं न कहीं चाचा को इसका नुकसान जरूर देखने को मिलेगा। जैसे ही भतीजे ने चाचा से बगावत कर एनडीए का दामन थामा, जिसके बाद कई बड़े नेता ने एनडीए का दामन थामा है। पूरे जिले में 10 विधायक हैं, जिनमें से 8 की अजीत खेमे से जुड़ने के स्पष्ट संभावनाएं दिख रही हैं। वहीं इंद्रापुर में एनसीपी विधायक दत्तात्रेय भरणे, जो अजीत पवार के करीबी दोस्त हैं, वह उनकी तरफ ही बढ़ेंगे। अभी तक कई जिलों में बीजेपी और एनसीपी के बीच खींचतान थी, लेकिन एनसीपी में मौजूदा सिंधे के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा बनते ही ये रार भी खत्म हो जाएगा। आने वाले दिनों में पश्चिमी महाराष्ट्र में कई राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। महाराष्ट्र में एनडीए का दामन थामने के लिए देवेंद्र फडणवीस भी मोर्चा संभालने के लिए शामिल हैं। एनसीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन शरद पवार के लिए भी सवाल खड़े कर जाएगा। वहीं एक तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या ये चाचा की कोई चाल तो नहीं? अगर चाचा चाल चलते हैं तो बीजेपी को इसका खासा नुकसान देखने को मिलेगा, या फिर भतीजा ही बीजेपी में चाचा की एंट्री करवाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।